मसीह यसु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनकी खादमा एवेंजलिस्ट शीरिन आसिफ आप सबके दरमियान हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने मुझे खुश आमदीद कहा, मैं आप सबका शुक्र गुजार हूँ। खासतौर पर मैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर रोजलिन डैनियल के लिए भी शुक्र गुजार हूँ और उनके इस चैनल के लिए आरडीजी चैनल, जिसके वसीले से मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मैं अपनी सारी जितनी भी हमारी जो बहनें हैं, नर्सिस हैं, और ये प्रोग्राम को जो इन्होंने मुनक्किद किया खासतौर पर सिविल हॉस्पिटल में, और जितने भी मैं हॉस्पिटल है उन सबको भी क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, ताकि वो जो उनके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर खुदावंद की खिदमत करती हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर दोनों में अपने आप को वो पेश करती हैं। और ये यकीनन ये हकीकी खिदमत है, एक बीमारों को जब वो दिलासा देती हैं, बीमारों की तीमारदारी करती हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और मैं यकीनन ये समझती हूँ कि इन्हें और ज्यादा खुदावंद अपनी बरकात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हो रही है, और खुदावंद का शुक्र है। और कलाम मुकद्दस में भी आप देखते हैं कि जब मूसा पैदा होने को था, तब इन जो वो जो दाइयां थी उनको खुदा ने भी बड़ी बरकत दी थी, क्योंकि उनके दिल में एक रहम था खुदावंद के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए। इसी तरीके से वही बरकतें मैं ये समझती हूँ आज भी इन नर्सिस में है, और ये इसी तरह खुदावंद में मैं चाहती हूँ बढ़ती रहे, तरक्की करती रहे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती रहे। वाकई इनकी खिदमत जो है वो हम सबसे बढ़कर है, ना सिर्फ हम तो सिर्फ शायद रूहानी तौर पर ये खिदमत करते हैं, लेकिन वो जो हमारी बहनें नर्सिस हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो ये सुन रही हैं, पूरे कराची शहर में जो ये सुन रही हैं, उनकी खिदमत वाकई हकीकी खिदमत है। रूहानी तौर पर भी वो अपने आप को अपने बदनों से अपने रूह से खुदावंद का जलाल जाहिर करती हैं और अपने बदनों से भी खुदा उनका जलाल जाहिर करती हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, और ये क्रिसमस आप इसी तरीके से अपने उन बहन भाइयों के साथ मना रही होंगी और मनाएं भी। यकीनन जो बीमार है, परेशान है, दुखों में, तकलीफ में है, ये ही वो नर्सिस हैं जो उनको एक खुशी देती हैं, उनको एक दिलासा देती हैं उनकी तीमारदारी करके, उनके साथ अच्छी बातें करके। तो मैं इन सारी नर्सिस को मैरी क्रिसमस कहना चाहती हूँ, और सारी जितनी भी आपको जो खुशियां हैं वो खुदावंद आप लोगों की सबकी झोली में डाले। खुदावंद इन सारी मेल मिलाप और सारे इस बातों की वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आप लोग कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, बहुत, बस यही बोल रही हूँ। कैसा लग रहा मैरी? हैप्पी मैरी। शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मम्मी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है,
खुदावंद तेरे साथ। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा ने इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हूँ। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। चमका और वो नहायत डर गए। फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के घराना में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा में। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे, उसे सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना मुर्ग और लबान उसकी नजर किया। और इसी तरह से सब ने उस बच्चे को देखकर खुशी मनाई और सब ने खुदा के जलाल को देखा। थैंक यू। मैडम खैरुन्निसा के शुक्रगुजार है जिन्होंने खूबसूरत क्रिसमस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सबको गेट टुगेदर सबको इकट्ठा किया। जब हम ड्यूटी सब इकट्ठे करते हैं, हम अपने दुख सुख में भी साथ हैं। उन्होंने साबित किया कि एक वो अच्छी ऑफिसर हैं और वो एक हर उस चीज़ से आज़ाद हैं जो कि हम दूसरों को दूर करती है। उन्होंने इन्वाइट किया सर जेम्स वुड को एज ए गेस्ट ऑनर और वो आए, उन्होंने केक कटिंग की और मैडम उजाला गेस्ट ऑनर, उन्होंने प्रेयर की एज ए पास्टर। इसी तरह बहुत सारे आए गेस्ट थे, बेशुमार थे, जिनमें हम सबके शुक्रगुजार फर्दन फर्दन मैडम खैरुन्निसा ने और मैडम रूथ जो वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। बड़ी खुश दिली से उन्होंने हमें सबको कबूल किया। नोमी के शुक्रगुजार है, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाई। इसी तरह हमने बड़ा ही इन्जॉय किया सब मिलजुल के, हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। नर्सिस स्टूडेंट नर्सिस बहुत ज़्यादा खुश थी और बड़ी एक्साइटेड थी और बड़े उन्होंने मौज मस्ती की, क्योंकि क्रिसमस एक खुशियों का त्यौहार है, मसीह यीशु की आमद का त्यौहार है। हम सबको ये पैगाम देता है कि आप ज़िंदगी और ज़िंदगी के आसान नज़र आते हैं। मसीह यीशु हमारे दरमियान आए और हमने सब ने इस उनकी आमद पे खुशियाँ मनाई। सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।